तो इस पर्टिकुलर टाइम में आईओटी प्रोफेशन की सैलरी जनरली 10 से 25 एलपीए के बीच में होती है। अगर किसी के पास 4-5 साल का या उससे ज़्यादा का एक्सपीरियंस है एंड काफ़ी अच्छी स्किल्स है, देन इट कैन गो अप टू 50 एलपीए। ब्लॉकचेन में जो होता है, चीज़ों को डिसेंट्रलाइज कर दिया जाता है। जो हमारा डेटा होता है वो किसी एक पर्सन की अथॉरिटी में नहीं होता है, इंस्टेड वो वर्ल्ड वाइड लैक्स ऑफ डिवाइसेस में स्टोर होता है। Hi everyone, Naman Gupta this side. Technology is evolving all the time. So in this video, by looking into future possibilities, we will see about top 7 technologies that you should learn in 2022. Before starting video, if you like this video, then do like and share, and at the end, comment down which technology you like the most. Or if any technology that I missed, but you know about it. Also, subscribe Coding Ninjas channel for more such amazing content. तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टेक्नोलॉजी जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज फास्ट बिकमिंग पार्ट ऑफ आर इंटीग्रल लाइफ। फ्रॉम टाइम टू टाइम IoT डिवाइसेज आर इंक्रीजिंग। IoT ट्राइज टू कनेक्ट ईच ऑब्जेक्ट विद इंटरनेट। फ्यूचर में भले ही वो घर का रेफ्रिजरेटर हो या फर्नीचर हो, दरवाजा हो या कुछ भी हो, इंजीनियर्स विल डेफिनेटली फाइंड अ वे कि इनको भी इंटरनेट से कैसे कनेक्ट करें। नाउ सीइंग द सैलरी ट्रेंड, तो इस पर्टिकुलर टाइम में IoT प्रोफेशन की सैलरी जनरली 10 से 25 LPA के बीच में होती है, और बाकी जो डिपेंड करता है वो आपकी स्किल्स पे और आपके ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। अगर किसी के पास 4-5 साल का या उससे ज़्यादा का एक्सपीरियंस है एंड काफ़ी अच्छी स्किल्स है, देन इट कैन गो अप टू 50 LPA। एंड अगर किसी की थोड़ी स्किल्स कम है, देन वो लोअर डाउन होके 6 LPA तक भी आ सकती है। नाउ नेमिंग फ्यू स्किल्स जो कि रिक्वायर्ड होती है IoT के लिए, दैट इंक्लूड्स पाइथन, जावास्क्रिप्ट, बिग डेटा, Node.js एंड मैनी अदर। मूविंग टूवर्ड्स सेकेंड टेक्नोलॉजी, इट इज़ रोबोटिक्स। टाइम टू टाइम रोबोट जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। रोबोट्स के पास ह्यूमन से फिजिकल स्ट्रेंथ तो ज़्यादा थी ही, बट अब साथ में इंटेलिजेंस भी उनके इक्वल या उनसे ज़्यादा आ रही है। इंडिया में अभी स्पेसिफिकली रोबोट्स का जो यूज़ है वो ऑटोमोबाइल सेक्टर में, जो कि पार्ट्स बनाने के लिए या फिर वेल्डिंग या कोई ऐसी एक पर्टिकुलर काम के लिए यूज़ होता है, यानी कि ऑटोमेटेड रोबोट्स का यूज़ होता है जिनका जो काम है वो फिक्स होता है। बट एट पर्टिकुलर टाइम ह्यूमन रोबोट्स की तरफ से भी काफ़ी तेज़ी से भरा जा रहा है, जो हम लोगों की उसके अलावा जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स वगैरह है उनमें ML और AI का तो यूज़ हो ही रहा है, बट उनमें भी रोबोटिक्स वाले लोगों का काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है उस फील्ड में। अब कुछ स्किल्स जो कि रोबोटिक्स की फील्ड में अगर आपको जाना है, देन यू मस्ट लर्न इंक्लूड पाइथन, MATLAB, मैथमेटिक्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी एंड मशीन लर्निंग। देर आर मेनी मोर अकॉर्डिंग टू एरिया इन विच यू वॉन्ट टू स्पेशलाइज। So now moving towards our third technology. Third technology is cyber security. Requirement of cyber security is tremendously increasing. आजकल रोज सुनने में आता है कि बड़ी से बड़ी कंपनी का भी डेटा हैक करके लीक कर दिया गया है, एंड उससे जो उसके यूजर्स होते हैं उस पर भी काफ़ी इफेक्ट पड़ सकता है, एंड जो कंपनी होती है उसकी भी इमेज काफ़ी ज़्यादा खराब होती है। जैसे कि हमने ट्विटर अकाउंट्स का सुना है कि बहुत जल्दी जल्दी हैक हो जाते हैं, स्पेशली हमने US प्रेसिडेंट का अकाउंट हैक होते हुए देखा है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर का अकाउंट हैक होते हुए देखा है। उसके अलावा जो साइबर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती है उन पर रोक लगाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट या और कोई भी कंट्री की गवर्नमेंट हो, उन्हें भी साइबर सिक्योरिटी के स्पेशलिस्ट की ज़रूरत होती है। एंड ऑलमोस्ट सभी कंपनीज के लिए भी उनका डेटा जो है वो अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस का होता है, तो इसीलिए वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई पे करते हैं अपने डेटा को सेफ रखने के लिए। Now moving on to कुछ skills that you should learn for this particular field include operating system, computer networks, programming and many more. Now fourth technology जो है जिसके बारे में हम बात करेंगे, that is blockchain. अभी कुछ 2-3 सालों से ही ये bitcoin और बाकी और क्रिप्टो करेंसीज की वजह से blockchain काफ़ी ज़्यादा सुनने में आ रहा है। अब what it is actually? ब्लॉकचेन में जो होता है, चीज़ों को डिसेंट्रलाइज कर दिया जाता है। जो हमारा डेटा होता है वो किसी एक पर्सन की अथॉरिटी में नहीं होता है, इंस्टेड वो वर्ल्ड वाइड लैक्स ऑफ डिवाइसेस में स्टोर होता है, एंड काफ़ी ज़्यादा लेयरिंग ऑफ सिक्योरिटी होती है
हैशिंग का यूज और काफी चीजों का यूज होता है, जिसकी वजह से उसकी जो सिक्योरिटी है वो काफी ज्यादा हाई लेवल की होती है। अभी जनरली जो है इसका यूज फाइनेंशियल चीजों में ज्यादा हो रहा है, जैसे कि क्रिप्टो करेंसी, बट सेम कंसेप्ट का फ्यूचर में काफी चीजों में यूज होगा। लोग अपने जो कंपनीज है जिनके डेटा, जो अभी हमने साइबर सिक्योरिटी की बात करी है, वो अपना डेटा भी कुछ इसी फॉर्म में सेव कर सकते होंगे एंड काफी और चीजें भी। और कुछ स्किल्स जो आपको ब्लॉकचेन में अपने करियर बनाने के लिए पढ़नी होगी, दैट इंक्लूड्स क्रिप्टोग्राफी, डेटा स्ट्रक्चर्स, कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड मेनी अदर्स। फिफ्थ टेक्नोलॉजी आई वुड लाइक टू मेंशन इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज हैड अ ग्रेट इम्पैक्ट अमंग ऑल द टॉप टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। ऑलमोस्ट हर जगह आज के टाइम में हम इनका यूज देखते हैं। Laying down few example that includes AlterGo, which is a mind reading wearable, citizen robot like Sophia. Other than this, कुछ companies जैसे कि Domino's drones delivery का भी already use कर रही है। हाँ, अभी ये properly tested नहीं हुए हैं, but अभी इनका testing चल रही है and वो आगे के time में ज़रूर से use होंगे। उसके अलावा जो self-driving cars होती है उसमें भी AI का काफ़ी ज़्यादा use होता है। In short, AI and ML ऐसी technology है जिसका हर जगह use होता है। तो आई वुड से कि इसके अंदर तो ज़रूर आप लोगों को सीखनी ही चाहिए, अगर कोई और आपको ना भी पसंद आए तो। नाउ फ्यू स्किल्स दैट यू नीड टू लर्न आर पाइथन प्रोग्रामिंग, मैथमेटिकल, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। जैसा कि हमने साइबर सिक्योरिटी वाले जो पार्ट था उसमें डिस्कस किया था कि सभी कंपनीज के लिए उनका डेटा जो होता है वो अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस का होता है। But even before securing data, it comes to how to store, process and analyze data. All such things are included in our sixth technology, and that is big data and analytics. Analytics can even help every sector by analyzing data कि आगे उनको क्या चीज करनी चाहिए एंड क्या नहीं, चाहे वो हेल्थ केयर हो या कोई और सेक्टर हो। Some of the companies which uses this technology include Netflix, American Express, Amazon and Google. Now, listing down few skills that you need to learn include Hadoop, SQL, Spark, Python and Excel. Data on Earth is increasing day by day and so the use of this technology. Now, moving down to our last and final technology. Now, seventh and last technology that I list down for today is full stack development. Ab bhale wo app ka ho ya website ka ho, iOS ho ya Android ho. इसका यूज कभी भी खत्म नहीं होता, बिकॉज कोई भी नया बिजनेस आए, कोई स्टार्टअप आए या कोई अपना स्टोर भी खोल रहा हो, तो सभी को आज के टाइम में तो वेबसाइट या ऐप की रिक्वायरमेंट होती ही होती है। फुल स्टैक डेवलपमेंट का यूज पहले से अप्रोक्सीमेटली 70-80% इंक्रीज हो गया, एंड ऑलमोस्ट ये वाली टेक्नोलॉजी हो या फिर डेटा साइंस हो या ML हो, इन तीनों में से हर इंसान कॉलेज में एटलीस्ट एक तो कर ही लेता है आफ्टर DSA। तो आप लोग भी इसमें से चूज कीजिए, फुल स्टैक इज डेफिनेटली अ गुड चॉइस। तो गाइस, आई डिस्कस्ड टॉप 7 टेक्नोलॉजीज फॉर 2022। एक बार फिर सभी को लिस्ट करूंगा। इट इंक्लूड्स इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा एंड एनालिटिक्स, फुल स्टैक डेवलपमेंट। इनमें से करेंटली आई एम लर्निंग मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब मैंने अपना बताया, अब आप भी बताओ कि अगर आप कोई सीख रहे हो इनमें से या फिर कोई भी सीखने की प्लानिंग कर रहे हो तो वो भी बताओ। एंड अगर इसके अलावा अगर कोई आप सीख रहे हो तो उसको भी प्लीज़ कमेंट करके बताओ। एट लास्ट, थैंक यू फॉर हियरिंग एंड वॉच मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज फ्रॉम अस। ओके देन, कीप लर्निंग एंड स्टे ट्यून्ड टू कोडिंग निंजास चैनल। थैंक यू।